लक्ष्मी पाल एंड आई होप आप सभी मस्त हो। तो आज नहीं बोलूँगी सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अगर आपने करना होगा तो आप वैसे भी कर ही लोगे, तो छोड़ो यार। तो बाकी यार आज कॉलेज जा रही हूँ, तो फिफ्थ सेम का लास्ट डे समझ लो, क्योंकि इसके बाद पेपर वगैरह कुछ है नहीं। तो उसके पेपर्स हैं जिन्होंने ऑफलाइन देने और हमने वाइवा देने जाना है, तो तब तक छुट्टियां ही समझ लो। तो चलो लास्ट डे ही मान लेती हूँ मैं, तो मैंने सोचा ठीक है यार लास्ट डे जो भी है तो ब्लॉग बना लेती हूँ। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैं खाना वगैरह खाती हूँ और फिर फटाफट रेडी होते हैं और सीधे चलते, रेडी क्या होना यार मैं ऐसे ही जा रही हूँ, तो फिर चलते हम बाहर। तो चलो यार गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और ये भी हो रही है रेडी। आफ्टर फ्यू इयर्स लेटर आई विल बी द सेम और तू हो जाएगी बुढ़ी। शद तो यार मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अब कॉलेज। तो यार ये इसका ब्रश तो मेरी बहन मैंने अपने अपने आईज में काजल स्मज किया है, आईना उतना अच्छा नहीं हुआ, तो ये मेरे को कॉपी कर रही है और इसने स्मज करते करते इसने ब्रश का वो जो वो क्या बोलते हैं ब्रश का बाल नहीं क्या बोलते हैं जो भी वो अपनी आंख में डाल दिया इसको। ये देखो इसने ये स्मज किया है, दिखाना जरा। मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया, चल इसको स्मज करना ही नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है तो क्या बनेगी रे लड़की, तूने मुझसे सीखा है स्मज करना। झूठ ही है, परसों मैंने खुद स्मज किया तो मेरे को बोलती यार अच्छा लग रहा है, मैं ट्राई करूंगी सारे टिप्स मुझसे। चल झूठ बोल रही है, फिर बोलती ये कैसे किया, मैंने कहा जैसे करना था, फिर कहती मैं भी करके बताती हूँ, देखो तो अभी लगी हुई है स्मज करने। लेकिन इससे मैं बहुत अच्छी शेडिंग करती हूँ तो मेरे को पता है चीजें स्मज कैसे होती है। एक्सक्यूज मी, तू खुद बोलती है तेरी डायग्राम ज्यादा अच्छी होती है। मैं कैमी फेंक रही है इसको, स्मज स्मज नहीं आता, तो आप खुद ही देख लो आना जरा। तो बाकी यार थोड़ी देर तक मिलती हूँ मैं आपसे, इसकी बड़ी बड़ी बेइज्जती करवा ली अपनी। दूसरों का नीचे गिरा के खुद उठने को उठना नहीं कहते बेटा। जो नीचे पहले से जो पहले से नीचे गिरे हों उनको हम गिराना जरूरी नहीं समझते। वाह व्हाट अ लाइन। तो इसी बात पे लाइक कमेंट कर दो यार, नहीं करना है करो नहीं करना तो आपकी बात। इसी बात पे ठोको लाइक और शिवानी दीदी को ठोको गाली शिवानी मनहास टैग करके। तो चलो फाइनली गाइज मैं जा रही हूँ और मैं कब से यही बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ और जा नहीं रही। तो बाकी यार मैंने पोनी कर दी, गीले बालों की पोनी बहुत अच्छी लगती, मेरे को गीले बालों की पोनी बहुत अच्छी लगती है, तो आप भी ट्राई करना यार गीले बालों की पोनी बड़ी सही बनती है। तो बाकी चलो यार मैं जा रही हूँ। तो सही है मजा आ जाता ना गाइस गोलगप्पे की टेबल। ओए यार रुक जा, कौन कहां जा रहा है हम कहीं जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं आई डोंट नो गाइस, हम कहीं पे खाने पीने जा रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड्स है और हम सब धूप में सड़ रहे हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं कॉलेज के बाहर कुछ खाने। क्या खाने? उम्र ट्रीट दे रही है, उम्र की तरफ से ट्रीट है, ट्रीट देगी तो तू आई उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी इस बारे में आगे की। क्या प्लीज उम्र के ऊपर कैमरा आने सामने, बिल्कुल सामने करेंगे पार्किंग। हाय उम्र, उम्र अपने हाथ ही दिखाने जाती, लोग जल जाएंगे इतने नाजुक हाथ देख के। तो आगे की बात हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, तो आप पीछे आके खुद आना चाहती है। तो यार हम जा रहे हैं और धूप में सड़ गए दो लोग, गाड़ी मेरे पास होती। जी हम आ गए क्वालिटी में, ये कहाँ है, ये रहा क्वालिटी। तो गाइस ये हम जा रहे हैं बेसमेंट में, और हमारी बेइज्जती करवा के रखी है। हाँ इधर बैठ रहे हैं कि उधर बैठ रहे हैं यार, जहाँ पे अच्छा है बेटा। वन बर्गर एंड वन कॉफी, जलेबी एंड जलेबी और ये ऐसे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। हम जा रहे हैं पहलवान, यहाँ पे जगह नहीं थी और हम अच्छी गंदी जगहों पे बैठना प्रेफर नहीं करते। एक एक प्रोटेक्शन काफी नहीं है, शर्म करो शर्म करो। ये है पहलवान, अब हम ये आ रहे हैं यहाँ पे। यार बड़ा सुंदर है यार, तेरी मम्मी बोल रही थी पैसे किसने दिए थे पहलवान जाने के। ये पहलवान नहीं, ये बंदा खुश हो गया, बोल ये पहलवान, ये है पहलवान, इसे लटका ना मार देगा।
मुझे लगा पता नहीं कितने फ्लोर जा रहे हैं ऊपर। अनीतम जरा खड़े हो ना, अनीतम जरा खड़े हो ना। किसको बुला रही हैं आप? कौन है आप कौन हो? जरा खड़े हो ना, मेरे को बुला के रहे हो। कर लिया ना वही वाला काम? नहीं गाइस, ये हम है, नहीं गाइस ये हम है, ये मेन्यू है और ये बहुत महंगा है। मजाक कर रही हूँ। प्रोफेसर आसिफ चोरी करते हुए आसिफ, वो बड़ा मौजूद है। नहीं प्रोफेसर आसिफ नहीं, कोई नहीं आ रहा चोरी करते हुए। बोला ना मैं प्रोफेसर आसिफ, तो मुझे इतनी हंसी आई। आइए दोस्तों, मैं आपको एक और भूतिया कहानी सुनाता हूँ। सुना तो सकता है, बट एक ऐसी कहानी जो कि आपको डरा देगी। मेरे पैसे नहीं है, मेरे पैसे नहीं है। वो भी आ गया, मत आना पैर बांध। हमारा इंतजार ही कर लिया होता आसिफ कम से कम। चलो चलो, कैसी बनी है? अमेजिंग, मास्टरपीस। ये दूसरी बार पानी गिरा दिया इन्होंने और इसी पैंट गीले कर दिए। ये लो भाई, कल पहलवान वाले 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करें, 100 रुपए एक्स्ट्रा पहलवान वाले। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। हाय और ये साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग फार्मेसी तो जाओ। अरे वो कर देंगे यार। उमरा की थाली, अगली बार मैं अकेले आऊंगा, अगली बार मैं अकेले आ रहा हूँ। और आप जा रहे हैं घर वापस? हेलो, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। बिल पे की टर्न आई तो ये भाग रहा है यार। बिल पे कर देंगे, मेरे बहुत अमीर दोस्त आ रहे हैं। हम में से कौन है वो अमीर? ये कहाँ जा रहे हैं? मेरे को जाने दो, जाने तो नहीं देंगे। तो यार क्या बोलते, हम काफी लेट हो गए लेकिन मजा आया। मजा आया। तुम लोगों को अगली बार घुसने देंगे? क्यों नहीं घुसने देते? जितना तुमने नुकसान किया ना। क्या नुकसान किया? किसी ने प्लेट कोई कोई गिलास में पानी गिरा रहा है, 150 रुपए की नमी। चल आजा, तेरा फोटो खींचती हूँ। मैक्स, और उसके बाद भी तूने हमसे बिल लिया, शर्म कर। खाना पीना हो गया, हम जा रहे हैं वापस। सही बात है, कॉलेज जाना। अब हम कॉलेज जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आई नहीं ना, तो मैं और आयशा के थे। ये देखो यार मंदिर यार इतना सही है यार, ये मंदिर। गाइस ये देखो सुनसान सड़क, कोई भी नहीं है, मतलब कॉलेज में कोई भी नहीं, सिर्फ गाइस। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि असली वेले लोग होते कौन से कॉलेज में, जो जो बैठे होंगे या देखेंगे तो गालियां देंगे मेरे को। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज के अंदर, कल आए हमें भगाने के लिए। कौन सा ये नहीं है? देख देख देख, नीले के पेड़ के पीछे से ये निकले, देखा? चलो सीटी बज गई है, आप पता नहीं कब आएंगे कॉलेज। यार ये नहीं है, तुझे कुछ और किया था, फिर से कर, चल कर। इतनी गर्मी है, उफ उफ उफ। तो यार इतना ज्यादा बुरा हाल है गर्मी से कि मतलब क्या ही बताऊं। तो यार ये अब आई थिंक कॉलेज में नहीं जाना, थोड़ी ब्रेक लेनी है, इतनी गर्मी में कॉलेज भी क्या करने जाना है। तो अब एग्जाम्स है तो वाई वाई के लिए ही जाना है। तो आज ऑलमोस्ट लास्ट है समझो, तो पता नहीं अब व्लॉगिंग कैसे करूँगी मैं, क्योंकि बाहर नहीं जाऊँगी तो क्या ही बनाऊँगी। तो मैं पहुँच गई यार पुलिस लाइन,
और आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, पसीने पसीने निकल गए। मास्क इस घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। आई डोंट नो सारे कहाँ पे हैं। मैं अभी अभी घर आई और थोड़ा वेट किया बाहर, फ़ोन वगैरह किया, फिर पता चला कि इनके और इनके भी कोई नहीं था। ये भी पता नहीं कहीं गए हुए थे, उन्होंने भी चाबी किसी और को दी थी, पता नहीं। फिर ब्ला ब्ला करके तो अभी मैं घर पहुँच गई हूँ। यार आज इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। उफ उफ, मेरा फेस देखो, ये देखो इधर से पूरा ब्लैक हो गया है, क्योंकि यहाँ तक मास्क था और ये थोड़ा फिर भी वाइट है और ये पूरा ब्लैक। तो मास्क को ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।